Hello student, how are you? Today we are going to discuss on a very interesting story, that is a temp of surgery, which is related to 10th class, and the book name is the footprint without feet. तो गाइस जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा इंग्लिश 10th की इंग्लिश का वो है अ टेम्प ऑफ सर्जरी. चलिए इसको अच्छे से पढ़ते हैं. तो ये एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, एक सर्जरी से रिलेटेड एक छोटे से एक कुत्ते की कहानी है और उसकी मालकिन द्वारा उसका लाड प्यार किस प्रकार से किया जाता है और कैसे फिर उसकी उसको क्योर किया जाता है एक सर्जन के द्वारा. तो अ ट्रिम्प ऑफ सर्जरी, ट्रिम्प का मीन होता है गाइस विक्ट्री, और सर्जरी मीन जो डॉक्टरी पेशा है उसको बोलते हैं. ट्रिकी अ स्मॉल डॉग इज पैम्पर्ड एंड ओवरफेड बाय हिज रिच मिस्ट्रेस. ही फॉल्स सीरियसली इल एंड हिज मिस्ट्रेस कंसल्ट अ वेटरनरी सर्जन. डज ही परफॉर्म एन ऑपरेशन? डज द डॉग रिकवर? ट्रिकी. तो गाइस जो मेन कैरेक्टर है इस स्टोरी का वो है ट्रिकी. तो अच्छे से इसको तैयार करना है इस स्टोरी को. ट्रिकी क्या है? ट्रिकी एक स्मॉल डॉग का नाम है जिसको कि पैम्पर्ड किया जाता है, लाड प्यार किया जाता है, और ओवरफेड आवश्यकता से ज़्यादा, जितनी ज़रूरत होती है उससे ज़्यादा खिलाया जाता है बाय हिज रिच मिस्ट्रेस, उसकी अमीर मिस्ट्रेस मालकिन के द्वारा. ट्रिकी नाम के एक छोटे से कुत्ते को लाड प्यार किया जाता है और आवश्यकता से अधिक खिलाया जाता है. ही फॉल सीरियसली इल, और इसी लाड प्यार की वजह से, इसी आवश्यकता से अधिक खाने की वजह से वो गंभीर रूप से बीमार हो जाता है. एंड हिज मिस्ट्रेस कंसल्ट अ वेटरनरी सर्जन. वेटरनरी जो जानवरों के जो डॉक्टर होते हैं उनको वेटरनरी सर्जन बोलते हैं, वेट भी बोलते हैं सिंपल फॉर्म में. तो उसकी जो मिस्ट्रेस है वो वेटनरी सर्जन से कंसल्ट करती है, विचार विमर्श करती है जब वो बीमार हो जाता है. डज ही परफॉर्म एन ऑपरेशन? क्या वो ऑपरेशन करता है? ही मीन्स वो जो वेटनरी सर्जन है. डज द डॉग रिकवर? क्या डॉग जो है उस सीरियस इलनेस से रिकवर करता है या नहीं करता? तो इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर इस लेसन के अंदर हम डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले गाइज आपने अच्छे से स्टोरी को पढ़ना है, अच्छे से वीडियो को देखना है, ताकि जो ये क्वेश्चंस हैं इनके आप रिप्लाई कर सको. व्हाई इज मिसेस पम्फ्रे वरीड अबाउट ट्रिकी? जो ट्रिकी है उसकी जो मिस्ट्रेस है उसका नाम है मिसेस पम्फ्रे. व्हाई इज मिसेस पम्फ्रे वरीड अबाउट ट्रिकी? मिसेस पम्फ्रे जो है, जो कि उस ट्रिकी की मालकिन है, वो चिंतित क्यों है? व्हाई डज सी डू टू व्हाट डज सी डू टू हेल्प हिम? इज सी वाइज इन दिस? वो उसकी हेल्प करने में, यानी उस ट्रिकी की हेल्प करने में क्या करती है, क्या वो ऐसा करने में चालाक है, बुद्धिमान है? हु डज आई रेफर इन द स्टोरी? और जो आई वर्ड जो इस स्टोरी में यूज किया गया है वो किसके लिए यूज किया गया है? आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम. आई हैड पुल्ड अप माई कार व्हेन आई सॉ him in the street with his mistress and I was shocked at his appearance. He had become hugely fat like a bloated success with a leg at each corner, his eyes bloodshot and dreamy. Stared straight ahead and his tongue lolled from his jaws. तो गाइस जो फर्स्ट पैसेज है उसमें जो डॉक्टर है आई यूज किया गया है उस वेटनरी डॉक्टर के लिए, जिसका नाम आगे हम डिस्कस करेंगे स्टोरी के अंदर, मिस्टर हैरियट. आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम. जब इस बार मैं ट्रिकी से मिला तो मैं ट्रिकी को देखकर बड़ा ही क्या हुआ, वरीड हो गया, चिंतित हो गया. वास्तव में मुझे हैरानी हुई इस बार ट्रिकी को देखकर. आई हैड पुल्ड अप माई कार व्हेन आई सॉ इन द स्ट्रीट हिज मिस्ट्रेस एंड आई वॉज शॉक्ड एट हिज अपीयरेंस. When I saw him, जब मैंने उसे देखा, means उसे, ये him जो है वो ट्रिकी के लिए use किया गया है. जब मैंने उसे देखा, कहाँ देखा? In the street, गली के अंदर, with his mistress, अपनी मालकिन के साथ. जब मैंने उस ट्रिकी छोटे से कुत्ते को अपनी मालकिन के साथ गली के अंदर देखा, तो मैंने अपनी कार को क्या किया, pulled up कर लिया, यानी रोक लिया.
आई वॉज शॉक्ड एट हिज अपीयरेंस, जब मैंने उसके हाव भाव देखे, जब मैंने उसके हालात देखे, तो मैं उससे क्या हो गया, हैरान हो गया। ही हैड बिकम ह्यूजली फैट, वो बहुत ज़्यादा मोटा हो गया था। कैसे? लाइक अ ब्लॉटेड शू साइज, ब्लॉटेड मीन्स एक फूला हुआ शू साइज मीन कबाब, एक फूले हुए कबाब की तरह, विद अ लेग एट ईच कॉर्नर, जिसके कि हर कोने में टांग हुए, जैसे कि शू साइज के अंदर आपने देखा होगा कि हड्डी जो है कोने के अंदर दिखाई जाती है, वैसे ही ऐसा सीन होता था, ऐसी अपीयरेंस बन गई थी उस ट्रिकी की, जैसे कि वो फूला हुआ कबाब हो जिसके हर कोने में क्या हो, लेग्स। His eyes bloodshot, उसकी आंखें bloodshot हो गई थी, खून के रंग की तरह लाल हो गई थी, and rheumy, and still stayed ahead and his tongue lolled from his eyes, उसकी जो आंखें थी वो bloodshot हो गई थी, rheumy हो गई थी, और वो ऐसे सामने देख रहा था, और उसकी जो जीप थी वो उसके जबड़े से लपलपा रही थी। मिसेस पम्फ्रे हेस्टन टू एक्सप्लेन, हेस्टन मींस वेरी फास्ट, मिसेस पम्फ्रे ने जल्दी जल्दी एक्सप्लेन किया। ही वॉज सो लिस्टलेस, ये सुनता ही नहीं है, ये इतना लिस्टलेस हो गया, ये इतना आलसी लेजी हो गया है मिस्टर हैरियट कि ये किसी की सुनता ही नहीं है। He seems to have no energy. ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे इसके अंदर एनर्जी ना हो। I thought he must be suffering from malnutrition. मैंने सोचा कि वो जरूर malnutrition means कुपोषण से पीड़ित हो सकता है। So I have been giving him some little extra between meals to build him up. Building up means स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। इसलिए मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे जो आई है वो आई किसके लिए यूज किया गया है, यहाँ पे आई जो वर्ड है वो मिसेस पम्फ्रे जो मिस्ट्रेस है उस ट्रिकी की, उसके लिए यूज किया गया। इसलिए मैंने सोचा, क्या सोचा, कि मैं इसको बिल्डअप करने के लिए, इसको और ज्यादा मजबूत करने के लिए, इसको खाने के बीच में कुछ एक्स्ट्रा जो है वो देना शुरू कर रही हूँ। सम माल्ट एंड कोल्ड लीवर ऑयल, कुछ मैंने इसको माल्ट दिया है, माल्ट होती है बियर गाइस, और कोल्ड लीवर ऑयल एंड अ बाउल ऑफ हॉर्लिक्स एट नाइट टू मेक हिम स्लीप, मैं इसको रात को सोने के लिए माल्ट देती हूँ, कोल्ड लीवर ऑयल जो कोल्ड मछली है उसके लीवर का ऑयल देती हूँ, और एक कटोरा हॉर्लिक्स का देती हूँ ताकि ये अच्छे से सो सके। नथिंग मच रियली, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू, फिर उसके रिप्लाई में जब ये बातें सुनता है मिस्टर हैरियट वो वेट सर्जन, तो वो उससे पूछता है, क्या पूछता है उस मिस्ट्रेस से, कि डिड यू कट डाउन, कट डाउन मींस कमी कर दी, क्या आपने कमी की है ऑन द स्वीट थिंग, जो मीठी चीज़ें जिनके बारे में मैंने कहा था कि इनको ज़्यादा मीठी चीज़ें नहीं देनी, क्या उसमें आपने कमी की। ओह आई डिड फॉर अ बिट, बट ही सीम्स टू बी सो वीक आई हैड टू रेलेंट। He does love ice creams, cream cakes and chocolates, so I cannot bear to refuse him. Oh, I did for a bit. अरे हाँ, मैंने कुछ किया था, but he seems to be so weak, पर वो इतना कमजोर दिखा, I had to relent, कि मुझे जो है इसके प्रति soft जो है होना पड़ा। She does love cream cakes and chocolate, so वो cream cakes और chocolate को इतना ज़्यादा पसंद करता है, I cannot bear to refuse him, कि मैं इसे इनकार करने का हौसला जो है वो नहीं कर सकती, मेरा तो इसको ऐसा कहने का हौसला नहीं पड़ता। I looked down again at the little dog, that was the trouble, Tricky's only fault was greed, he had never been known to refuse food, he would tackle a meal at any hours of the day or night. And I wondered about all the things Mrs. Pumphrey hadn't mentioned. I looked down again at the little dog. मैंने फिर से उस छोटे से कुत्ते की तरफ देखा. That was the trouble. यही तो समस्या थी. क्या समस्या थी? Tricky's only fault was greed. Tricky का जो मुख्य फॉल्ट जो था, कमी जो थी, वो थी उसका लालच।
ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज फूड, उसने तो कभी ये जाना ही नहीं था कि कैसे खाने को जो है ना किया जाता है. ही वुड टैकल अ मील एट एनी आवर्स ऑफ द डे और नाइट, वो तो किसी भी समय चाहे रात हो चाहे दिन हो कभी भी वो तो क्या कर सकता था, भोजन के साथ मील के साथ टैकल कर सकता था. एंड आई वंडर अबाउट ऑल द थिंग्स दैट मिसेस डंफ्रे हैडन मेंशन्ड, और मुझे उन सभी चीज़ों के बारे में हैरानी हुई जिनको मिसेस पंपरे ने मेंशन नहीं किया, जिनको मिसेस पंपरे ने बताया नहीं. आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, फिर मैंने यानी उस जेम्स हैरियट जो था वेट सज्जन उसने उसे पूछा कि क्या तुम उसे प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करवाती हो. वेल ही हैज़ हिज लिटिल वॉक विद मी एज यू कैन सी, but Hodgkins the gardener has been down with lumbago, so there has been no ring throwing lately. Well, ठीक है, he has his little walk, कि वो थोड़ी बहुत walk करता है with me, मेरे साथ. As you can see, जैसा कि तुम देख सकते हो, वो मेरे साथ थोड़ा बहुत इधर उधर घूमने जा सकता है, जाता है. But Hodgkins, पर जो Hodgkins है, जो कि उसका gardener है, ये Hodgkins जो है, ये guys नेम है, इसमें से जो मेन पॉइंट है उन्हें आपने अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि जो एग्जाम है उसके अंदर 1 मार्क से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इन्हीं से रिलेटेड होते हैं वो क्वेश्चंस, जैसे कि हु वाज ट्रिकी, हु वाज, व्हाट वाज द नेम ऑफ द गार्डनर ऑफ मिसेस पम्फ्रे, तो यू विल से Hodgkins. Hodgkins जो कि उसका गार्डनर है, हैज बीन डाउन विद लबेंगो. लबेंगो का जो रिस्ट का पेन होता है जो उसको बोलते हैं, तो Hodgkins जो है रिस्ट के पेन की वजह से वो उसको जो रिंग थ्रोइंग है वो नहीं हो पाती, जिसकी वजह से यही थोड़ा बहुत मेरे साथ इधर उधर घूम के आता है. आई ट्राई टू साउंड सेवर, नाउ आई रियली मीन्स दिस, इफ यू डोंट कट हिज फूड राइट डाउन एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज ही इज गोइंग टू बी रियली इल. I try to sound sever. मैंने अपने आप को कठोर करने का प्रयास किया. Now I really mean this. अब मैं आपको एक ही बात बताता हूँ. If you don't cut his food right down, अगर आपने उसका खाना कम नहीं किया and give him more exercise, और उसे ज़्यादा से ज़्यादा exercise नहीं करवाई, he is going to be really ill. वो वास्तव में बीमार होने जा रहा है, यानी वास्तव में वो बीमार हो जाएगा. यू मस्ट हार्डन योर हार्ट, तुम्हें निश्चित तौर पर अपने दिल को कठोर करना होगा. एंड कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, और उसे बड़ी ही सख्त आहार के ऊपर रखना होगा, यानी उसे क्या है, बड़ा ही देखभाल करके डाइट देनी होगी. मिसेस पम्फ्रे रंग हर हैंड्स, रिंग रंग रंग, रंग मीन्स मसला. मिसेस पम्फ्रे ने अपने हाथों को मसला. ओ आई विल मिस हैरियट, आई एम श्योर यू आर राइट, बट इट इज सो डिफिकल्ट, सो वेरी डिफिकल्ट. सी सेट ऑफ हेड डाउन अलोंग द रोड एज इफ डिटरमाइंड टू पुट द न्यू रिजाइम्स इनटू प्रैक्टिस इमिडिएटली. मिसेस पम्फ्रे रंग हर हैंड्स, मिसेस पम्फ्रे ने अपने हैंड्स को रंग किया. ओ आई विल, अरे मैं करूँगी. जब मिस्टर हैरियट ने उसे कहा कि आपको उसके फूड को कम करना होगा, उसकी डाइट को अच्छे से ध्यान में रखते हुए देना होगा, तब उसने कहा कि मैं ऐसा करूँगी, ऐसा करने का प्रयास करूँगी. मिस्टर हैरियट, आई एम श्योर यू आर राइट, मुझे यकीन है कि तुम ठीक हो, ठीक कह रहे हो, बट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, सो वेरी डिफ़िकल्ट, पर ये इतना मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है ऐसा कर पाना, क्योंकि ही वॉज वेरी लविंग टू हर. सी सेट ऑफ, वो आगे चल दी, सेट हेड डाउन, सिर झुकाए अलोंग द रोड, वो रोड के साथ साथ सर झुकाए हुए आगे बढ़ दी, ऐसे आगे बढ़ी एज इफ डिटरमाइंड टू पुट द न्यू रिजाइन इन टू प्रैक्टिस, मानो उसने इस नई प्रक्रिया को तुरंत लागू करने का डिटरमाइंड, जो ये न्यू रिजाइम्स हैं, जो नए रूल्स हैं प्रैक्टिस के अंदर, जैसे कि वो अपनी जो आगे की जो प्रक्रिया है उसके अंदर इन नए रूल्स को, यानी वो उसकी एक्सरसाइज करवाएगी, उसकी डाइट को कट कर देगी, ऐसा डिटरमाइन करके, ऐसा निश्चय करके
वो चल दिया गया। आई वॉच देयर प्रोग्रेस विद ग्रोइंग कंसर्न, आई वॉच देयर प्रोग्रेस, मैंने उनकी जो प्रोग्रेस है विद ग्रोइंग कंसर्न, बढ़ती हुई चिंता के साथ मैंने उसकी जो प्रोग्रेस है, उनकी जो प्रोग्रेस जिस प्रकार से वो कार्य कर रहे थे, प्रक्रिया को मैंने देखा। ट्रिक ही वॉज टॉटरिंग अलोंग इन हिज लिटल ट्वीट कोट, ही हैड अ होल वार्डरोब्स ऑफ दीज कोट्स फॉर द कोल्ड वेदर एंड अ रेन कोट फॉर द वेट डेज। ही स्ट्रगल्ड ऑन ड्रॉपिंग इन हिज हार्नेस। I thought it would be long before I heard from Mrs. Pumphrey. I watched their progress with growing concern. मैंने बढ़ती हुई चिंता के साथ उनकी जो प्रोग्रेस है उसे वॉच किया। Tricky was tottering along. Tottering means होता है डगमगा के चलना। Tricky जो है अपने लिटिल ट्वीट कोट, वो जो उन्हीं जो कोट था, जो वूलन कोट था, उसके अंदर लड़खड़ाते हुए चल रहा था। ही हैड अ होल वार्डरोब, वार्डरोब होता है गाइस पूरा एक अलमीरा, उसके पास एक पूरा कोट का, उस प्रकार के कोट्स का एक पूरी अलमीरा भरी हुई थी। फॉर द कोल्ड वेदर, कोल्ड वेदर के लिए अलग से, और वेट डेज के लिए एक रेन कोट अलग से था। ही स्ट्रगल्ड ऑन, वो अभी भी स्ट्रगल कर रहा था। ड्रॉपिंग इन हिज हार्नेस, वो अपनी हार्नेस को, अपनी मजबूती को ड्रॉप कर रहा था। आई थॉट इट वुडंट बी लॉन्ग, मैंने सोचा कि अब ज़्यादा समय नहीं लगेगा। बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिसिस पंपरे, मिसिस पंपरे की कॉल को आने के लिए, मिसिस पंपरे की कॉल को सुनने के लिए मुझे अब ज़्यादा समय इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, यानी इसको ज़्यादा समय नहीं लगेगा, लगने वाला शीघ्र ही। मिसिस पंपरे जो है, जिस प्रकार की कंडीशन ट्रिकी की हो गई है, उसे देखते हुए उसने गैस किया कि अब जल्दी ही मिसिस पंपरे मुझे फ़ोन करने वाली है। द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन अ फ्यू डेज। मिसिस पम्फ्रे वॉज डिस्ट्रॉट, ट्रिकी वुड ईट नथिंग, रिफ्यूज इवन हिज फेवरेट डिशेज, एंड बिसाइड्स ही हैड बाउंस ऑफ वोमिट। ही स्पेंट ऑल हिज टाइम लेइंग ऑन अ रग, पेंटिंग्स, डिडंट वॉन्ट टू गो फॉर वॉक, डिडंट वॉन्ट टू डू एनी थिंग। द एक्सपेक्टेड कॉल, जैसा कि उसने एक्सपेक्ट कर रखा था, क्योंकि उसे पता था कि उस पर की कंडीशन जो है ट्रिकी की हो गई है, तो वैसा ही एक्सपेक्टेड कॉल जो है कुछ ही दिनों में उसके पास आई। मिसेस पम्फ्रे वॉज डिस्ट्रॉट, मिसेस पम्फ्रे जो थी हैरान, परेशान थी, सैड थी। ट्रिकी वुड ईट नथिंग, ट्रिकी कुछ नहीं खाता। रिफ्यूज इवन हिज फेवरेट डिश, यहाँ तक कि वो अपनी फेवरेट डिश को भी रिफ्यूज कर रहा है, उसने अपनी फेवरेट डिशेज को भी रिफ्यूज कर दिया है। एंड बिसाइड, और इसके साथ साथ, ही हैड बाउंस ऑफ वॉमिट, और इसके साथ साथ वो क्या है, काफी मात्रा में उल्टियां कर रहा है, उसे उल्टियां हुई हैं। ही स्पेंट ऑल हिज टाइम लेइंग ऑन रग, वो सारा दिन रग के ऊपर पेंटिंग हाथते हुए लेटा रहता है। डिडंट वॉन्ट टू गो फॉर वॉक, वॉक के लिए नहीं जाना चाहता। डिडंट वॉन्ट टू डू एनीथिंग, कुछ भी नहीं करना चाहता। आई हैड मेड माई प्लान इन एडवांस, मैंने तो पहले ही अपना प्लान जो है वो बना लिया था। द ओनली वे वॉज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर अ पीरियड। आई सजेस्टेड दैट ही बी हॉस्पिटलाइज फॉर अबाउट अ फोर्ट नाइट टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन। आई हैड मेड माई प्लान इन एडवांस, मैंने तो पहले से ही अपना प्लान बना लिया था। द ओनली वे वॉज टू गेट ट्रिकी आउट, एकमात्र तरीका था ट्रिकी को घर से बाहर निकालने का एक पीरियड के लिए। आई सजेस्टेड दैट, मैंने सुझाव दिया दैट ही बी हॉस्पिटलाइज, कि उसे हॉस्पिटलाइज करना होगा फॉर अबाउट अ फोर्टनाइट। फोर्टनाइट मींस एक वीक के लिए। मैंने सजेस्ट किया कि उसे एक वीक के लिए हॉस्पिटलाइज करना होगा, ताकि टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन, इसको ऑब्जर्वेशन में, इसको देख रेख में रखने के लिए एक हफ्ते तक हॉस्पिटलाइज रखना होगा, हॉस्पिटल के अंदर दाखिल करना होगा। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट स्वूंड, सी वॉज श्योर ही वुड पाइन एंड डाई इफ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे। स्वूंड होता है अनकॉन्शियस। वो बेचारी जो लेडी थी, क्योंकि वो बड़ा
स्नेह करती थी उस ट्रिकी के साथ। तो ये बात सुनकर कि एक हफ्ते तक उसे हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा, तो ये बात सुनकर जो वो लेडी थी वो लगभग लगभग क्या हो गई, सूंड हो गई, यानी बेहोश सी हो गई। सी वॉज श्योर ही वुड पाइन एंड डाइड इफ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे। उसे ये अंदाजा था कि वो पाइन एंड डाइड, तड़प तड़प कर मर जाएगा अगर वो उसे रोज नहीं देखेगा। बट आई टुक अ फर्म लाइन, पर मैंने तो एक फर्म लाइन, एक कठोर लाइन खींच दी। ट्रिकी वॉज वेरी इल एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम। ट्रिकी बहुत बीमार है और यही एकमात्र तरीका है उसे बचाने का। इनफैक्ट वास्तव में आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले। और मैंने सोचा कि ये बेहतर होगा कि बिना देरी किए उसे ले जाया जाए। एंड फॉलोड बाय मिसेस बम्फ्रेस वेलिंग्स आई मार्च आउट टू द कार कैरिंग द लिटिल डॉग रैप्ड इन अ ब्लैंकेट। मिसिस पंपरे जो है वेलिंग करते हुए, रोते हुए, चीखते हुए मेरे पीछे पीछे चली। आई मार्च आउट टू द कार कैरिंग द लिटिल डॉग रैप्ड इन अ ब्लैंकेट। मैंने उस छोटे कुत्ते को जो कि ब्लैंकेट के अंदर लपेटा हुआ था अपनी कार की तरफ बढ़ ली। द इंटायर स्टाफ वॉज रोज्ड एंड मेड्स रश्ड इन एंड आउट ब्रिंगिंग हिज डे बेड। द इंटायर स्टाफ वॉज रोज्ड, पूरा जो स्टाफ था वो जाग गया था। एंड मेड्स, जो घर की नौकरानियां थी, वो अंदर बाहर दौड़ रही थी, किस लिए? आउट ब्रिंगिंग हिज डे बेड, हिज नाइट बेड, फेवरेट कुशन्स, टॉयज, रबर रिंग्स, ब्रेकफास्ट बाउल्स, लंच बाउल, सपर बाउल्स। उसकी जो नौकरानियां थी वो घर के अंदर बाहर उसके डे बेड के लिए, नाइट बेड के लिए और फेवरेट कुशन्स के लिए, उसके फेवरेट तकियों के लिए, टॉयज के लिए और रबर रिंग के लिए, यहाँ तक कि उनकी ब्रेकफास्ट बाउल्स, लंच बाउल और सपर बाउल जो अलग अलग थी, उनको लाने ले जाने के लिए अंदर बाहर दौड़ रही थी। रियलाइजिंग दैट माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल द स्टफ, स्टफ वो जो सारी चीजें थी जिनके बारे में अभी हमने ऊपर लाइंस के अंदर डिस्कस किया है, कि वो जो पूरी स्टफ जो था उसको मेरी कार जो है वो सहन नहीं कर पाएगी, होल्ड नहीं कर पाएगी। ये रियलाइजिंग करते हुए, ये महसूस करते हुए आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे। मैंने अपनी कार को दौड़ाया। एज आई मूव्ड ऑफ, जो ही मैं मुड़ा, मिसिस बम्परे विद अ डेस्परिंग डेस्पेरिंग क्राई, मिसिस बम्परे एक निराशाजनक चीख के साथ थ्रू एन आर्मफुल ऑफ लिटिल कोट्स थ्रू द विंडो। एक आर्मफुल जो छोटे कोट्स की कोट को विंडो के माध्यम से मेरी कार के अंदर फेंक दिया। आई लुकड इन द मिरर, मैंने मिरर के अंदर देखा। बिफोर आई टर्न्स द कॉर्नर ऑफ ऑफ द ड्राइव, जो ही मैं ड्राइव के लिए कॉर्नर से मुड़ा, मैंने विंडो में देखा। एवरीबॉडी वॉज इन टीयर्स, हर कोई रो रहा था। आउट ऑन द रोड आई ग्लांस डाउन एट द पैथेटिक लिटिल एनिमल गैस्पिंग ऑन द सीट बाय माई साइड। आई पैटेड द हेड एंड ट्रिकी मेड अ ब्रेव एफर्ट्स टू वैक हिज टेल। पुअर ओल्ड लैड, आई सेड, यू हैडंट अ किक इन यू, बट आई थिंक आई नो अ क्योर फॉर यू। रास्ते पर आई ग्लांस डाउन एट द पैथेटिक लिटिल एनिमल, मैंने उस पैथेटिक एनिमल, उस बेचारे दया के पात्र, उस छोटे से एनिमल को गैस्पिंग करते हुए अपनी सीट, बगल की सीट में देखा। आई पैटेड द हेड, मैंने उसके सर को थपथपाया। एंड टिकी मेड अ ब्रेव एफर्ट्स टू वेज वेक हिज टेल। वेक मीन्स होता है मूव करने के लिए, और ट्रिकी ने जो है बड़ी बहादुरी से, बड़े जोर के साथ अपनी पूंछ को हिलाने का प्रयत्न किया। पुअर ओल्ड लैड, बेचारा बच्चा, आई सैड, मैंने कहा, यू हैवंट अ किक इन यू, तुम्हारे अंदर तो इतना भी दम नहीं है, बट आई नो, आई थिंक आई नो अ क्योर फॉर यू, पर मैं सोचता हूँ, मुझे पता है कि तुम्हारा इलाज कैसे करना है। तो गाइस, जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उनके आंसर जो है इस पार्ट के अंदर आ गए हैं, आपने उनको फाइंड आउट करना है और उन्हें अपनी नोटबुक में नोट करना है। रीड एंड फाइंड आउट, ये क्वेश्चंस हैं, आगे के पैसेज में से आपने फाइंड आउट करने हैं। इज द नरेटर एज रिच एज ट्रिकीज मिस्ट्रेस, क्या नरेटर उतना ही अमीर है जितना कि ट्रिकी की मिस्ट्रेस। हाउ डज ही ट्रीट द डॉग, वो कुत्ते के साथ कैसा बिहेव करता है, कुत्ते की देखभाल कैसे करता है। वाई इज ही टेम्प्टेड टू कीप ट्रिकी
ओन एज अ परमानेंट गेस्ट, वो क्यों ललचाता है ट्रिकी को एक परमानेंट गेस्ट के रूप में रखने के लिए. वाई डज मिसिज पम्फ्रे थिंक्स द डॉग्स रिकवरी इज अ ट्रिंक ऑफ सर्जरी. मिसिज पम्फ्रे ऐसा क्यों सोचती है, कुत्ते की रिकवरी के बारे में ऐसा क्यों सोचती है कि ये सर्जरी की जीत है. लेट्स रीड द रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस लेसन. एट द सर्जरी द हाउस होल्ड डॉग्स सर्ज अराउंड मी. ट्रिकी लुक डाउन एट द नॉइसी पैक विद डल आईज एंड वेन पुट डाउन ले मोशनलेस ऑन द कारपेट. द अदर डॉग आफ्टर स्निफिंग अराउंड हिम फॉर अ फ्यू सेकेंड्स डिसाइडेड ही वॉज एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट एंड इग्नोर्ड हिम. एट द सर्जरी, जब मैं सर्जरी में गया यानी वो डॉक्टर जो मिस्टर हैरियट है वो जब सर्जरी में पहुंचा, द हाउस होल्ड डॉग जो उसके घर में रखे हुए कुत्ते थे, जो उसके घर में रखे हुए कुत्ते थे, उन्होंने क्या किया, सर्ज अराउंड मी, मेरे चारों ओर उन्होंने सर्च किया, उन्होंने चक्कर लगाया. ट्रिकी लुक डाउन एट द नॉइजी पैक विद डल आइज. उस नॉइजी पैक को, उस शोर शराबे को ट्रिकी ने अपनी डल, अपनी नीरस आंखों के साथ देखा. व्हेन पुट डाउन, और जब उसे नीचे रख दिया गया, ले मोशनलेस ऑन द कारपेट, वो कारपेट के ऊपर, कालीन के ऊपर बिना हिले डुले पड़ा रहा. द अदर डॉग्स, दूसरे जो कुत्ते जो थे घर के, जो हाउस होल्ड डॉग्स थे, उन्होंने क्या किया, आफ्टर स्निफिंग अराउंड हिम, उसे सूंघने के बाद, चारों ओर से सूंघने के बाद कुछ एक सेकंड के लिए, डिसाइडेड, ये डिसाइड किया, ही वॉज एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट, कि वो एक अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट था, एंड इग्नोर्ड हिम, और उसको इग्नोर कर दिया, उसकी अवहेलना कर दी. आई मेड अप अ बेड फॉर हिम इन अ वार्म लूज बॉक्स नेक्स्ट टू द वन वेयर द अदर डॉग स्लेप्ट. फॉर 2 डेज आई केप्ट एन आई ऑन हिम गिविंग हिम नो फूड बट प्लंटी ऑफ वाटर. एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे ही स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग्स एंड ऑन द थर्ड डे ही बिगिंस टू विम्पर व्हेन ही हर्ड द डॉग इन द यार्ड. आई मेड अप अ बेड फॉर हिम, मैंने उसके लिए एक बेड, बिस्तर लगाया. इन अ वार्म लूज बॉक्स, एक गरम लूज बॉक्स के अंदर, जो कि पास में था, बगल के अंदर था, नेक्स्ट टू वन, एक बॉक्स के पास ही था जहाँ पे दूसरे जो कुत्ते जो थे वो सोया करते थे. फॉर 2 डेज आई केप्ट एन आई ऑन हिम, 2 दिन तक मैंने उसके ऊपर नजर रखी. गिविंग हिम नो फूड, मैंने उसे कोई भी भोजन नहीं दिया. एंड बट प्लंटी ऑफ वाटर, प्लंटी ऑफ वाटर के अलावा मैंने उसे कुछ नहीं दिया. एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे, दूसरे दिन के अंत में, ही स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग, उसने अपने सराउंडिंग में कुछ इंटरेस्ट दिखाना शुरू किया. एंड ऑन द थर्ड डे, और तीसरे दिन, थर्ड डे ही बिगेन टू विम्पर, विम्पर मीन्स विस्परिंग, उसने थोड़ा थोड़ा भौंकना शुरू किया. वेन ही हर्ड द डॉग इन द यार्ड, जब उसने दूसरे कुत्तों की आंगन के अंदर भौंकने की आवाज़ सुनी तो उसने भी हल्का हल्का जो है वो विम्पर करना, भौंकना जो है शुरू किया. वेन आई ओपन द डोर, जब मैंने दरवाजे को ओपन किया, ट्रिकी ट्रॉटेड आउट एंड वॉज इमीडिएटली इनगल्फ्ड बाय जो द ग्रे हाउंड एंड हिज फ्रेंड. After rolling him over and thoroughly inspecting him, the dog moved off down the garden. Tricky followed them, rolling slightly with his surplus fat. When I opened the door, जब मैंने door को open किया, it was said by Mr. Harriet, the vet surgeon. Tricky trotted out. Tricky जो है लड़खड़ाता हुआ बाहर आया, ट्रोट करते हुए, उछल करके बाहर आया. एंड वॉज इमीडिएटली, और तुरंत ही, इन गल्प बाई जो, और जो के बगल में, गले में पड़ गया. द ग्रे हाउंड, जो ग्रे हाउंड, जो ग्रे रंग का जो शिकारी कुत्ता है जिसका नाम जो है, उसको इनगल्फ कर लिया, तुरंत ही उसके गले में छलांग लगाई. एंड हिज फ्रेंड, और उसके दोस्तों के साथ. आफ्टर रोलिंग हिम ओवर एंड थ्रोली इंस्पेक्टिंग हिम, उससे बार पूरी तरह से लुटकाने के बाद, और उसको पूरी तरह से इंस्पेक्ट कर लेने के बाद, उसकी पूरी तरह से छानबीन कर लेने के बाद, द डॉग मूव्ड ऑफ डाउन द ग्राउंड, कुत्ते जो है गार्डन की तरफ मूव कर गए. ट्रिकी फॉलोड देम, ट्रिकी ने उनका फॉलो किया, अनुसरण किया, रोलिंग स्लाइटली, धीरे धीरे रोल करता हुआ,
विद हिज सरप्लस फैट, उसकी बढ़ी हुई फैट वस मोटापे की साथ। लेटर दैट डे, उस दिन के अंत तक आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम, मैं फीडिंग टाइम में प्रेजेंट था, जो कुत्तों का खाने खिलाने का जो समय था उस समय मैं वहाँ पर प्रेजेंट था। आई वॉच्ड व्हाइल ट्रिस्टन स्लॉप्ड द फूड इनटू द बाउल, देयर वॉज द यूजुअल हेडलॉन्ग रश फॉलोड बाय द साउंड ऑफ हाई स्पीड ईटिंग। एवरी डॉग न्यू दैट इफ ही फेल बिहाइंड द अदर ही वॉज लाइबल टू हैव सम कंपटीशन फॉर द लास्ट पार्ट ऑफ हिज मील। I watched why Tristan slopped the food into the bowl. Tristan जो है उस सर्जरी का ही एक मेंबर है। मैंने देखा जब Tristan ने जो है फूड को बाउल के अंदर डाला, there was the usual headlong rush। वहां पर क्या था? Headlong rush, सर्प भागते हुए जो कुत्ते हैं, कुत्तों ने जो है सरपट भागते हुए उसका अनुसरण किया। बाय द साउंड ऑफ हाई स्पीड ईटिंग, जो कि उन कुत्तों ने उस हाई स्पीड ईटिंग साउंड का जो है पीछा किया। एवरी डॉग न्यू दैट, हर कुत्ता जानता था कि इफ ही फेल बिहाइंड, अगर वो पीछे रह गया टू द अदर, दूसरे कुत्तों से, ही वॉज लाइएबल टू हैव सम कंपटीशन, कि उसे कुछ ना कुछ भोजन के लिए, जो बचा हुआ भोजन है उसको प्राप्त करने के लिए कंपटीशन करना होगा। When they had finished, जब उन्होंने अपना भोजन पूरा कर लिया यानी अपना भोजन वो खा चुके, Tricky took a walk around the shining bowl। Tricky ने उन चमकीली जो bowls थी उनके चारों ओर एक चक्कर लगाया। Licking casually inside one or two of them, उनमें से एक या दो को casual तरीके से lick करते हुए चाटते हुए चाटा। Next day, अगले दिन an extra bowl was put out for him। अगले दिन उसके लिए एक अतिरिक्त जो कटोरी है वो रखी गई। एंड आई वॉज प्लीज टू सी हिम जोस्लिंग हिज वे टुवर्ड इट, एंड आई वॉज प्लीज, और मैं इतना खुश हुआ टू सी हिम जोस्लिंग, उसे धक्का मुक्की करते हुए, हिज वे टुवर्ड इट, उसे अपने रास्ते में उन लोगों से धक्का मुक्की करते हुए इस तक पास आने के लिए, ये देखकर मैं बड़ा खुश था। फ्रॉम देम ऑन, तब से His progress was rapid, उसकी जो progress थी वो तेजी से हो रही थी। He had no medicine treatment of any kind, उसे किसी भी प्रकार का जो medical treatment है वो नहीं दिया गया था। But all the day he ran about with the dog, पर सारा दिन वो दूसरे कुत्तों के साथ दौड़ता। Joining in their friendly scrimmages, उनकी जो फ्रेंडली स्क्रिमेज थी, उनकी जो चीखें चलाटे थी उनके साथ वो ज्वाइन करता। ही डिस्कवर्ड द जॉय ऑफ बींग्स बोल्ड ओवर, टैम्प्ड ऑन एंड स्क्वैश्ड एवरी फ्यू मिनट। ही बिकेम एन एक्सपेक्टेड मेंबर ऑफ द गैंग, अनलाइकली सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट अमंग द शेगी क्रू, फाइटिंग लाइक अ टाइगर फॉर हिज शेयर एट मील टाइम एंड हंटिंग रैट्स इन ओल्ड हैन हाउस एट नाइट। He had never had such a time in his life. From them on, तब से his progress was rapid, उसकी जो progress थी वो fast थी। He had no medical treatment of any kind, उसे किसी भी प्रकार का medical treatment जो है वो नहीं दिया गया था। All the day he ran about with the dogs, पूरा दिन वो कुत्तों के साथ दौड़ लगाता। Joining their friendly scrimmages, जो scrimmages थी, जो उनकी चीखें चिघार थी, जो उनकी लड़ाई थी, जो friendly लड़ाई थी उसके अंदर वो join हो गया था। He discovered the joy of being bowled over, उसने उसने उल्टे फुलटे हो जाने में उसको मजा आता था। He became an expected member. He discovered the joy of being bowled over, उसे bowled over होने में, tramped on और उल्टाए जाने पर, और दूसरों के
पैरों के नीचे दबे जाने पर उसे मजा आने लगा। ही बिकेम एन एक्सपेक्टेड मेंबर ऑफ द गैंग, वो गैंग का उस ग्रुप का एक स्वीकृत मेंबर बन गया था। अनलाइकली सिल्की लिटल ऑब्जेक्ट, दूसरों के जैसा ना होकर एक सिल्की लिटल ऑब्जेक्ट अमंग द शेगी क्रू फाइटिंग लाइक अ टाइगर। उन रफ कुत्तों के अंदर सिल्की लिटल ऑब्जेक्ट एक टाइगर की तरह लड़ता फॉर हिज शेयर ऑफ एट मील टाइम, अपने मील टाइम के समय पर अपने हिस्से के लिए। वो क्या है, उन शेगी क्रू के अंदर उस दबे बदे दल के अंदर एक सिल्की लिटल ऑब्जेक्ट जो है एक टाइगर की तरह अपने हिस्से के लिए लड़ता। एंड हंटिंग रैट्स, और रैट को हंटिंग करता इन द ओल्ड हैन हाउस एट नाइट, ओल्ड हैन हाउस के अंदर रात को चूहों का शिकार करता। ही हैड नेवर हैड सच अ टाइम इन हिज लाइफ, इस प्रकार का समय उसने कभी अपने जीवन में नहीं बिताया था। ऑल द वाइल मिसेस पंप्रे होवर्ड एन एक्सिसियस इन द बैकग्राउंड रिंगिंग अ डजन टाइम अ डे फॉर द लेटेस्ट बुलेटिन। इस पूरे समय में समय के दौरान श्रीमती पंप्रे जो है पृष्ठभूमि में उत्कर्ष पूर्वक मंडराती रही। रिंगिंग अ डजन टाइम अ डे फॉर द लेटेस्ट बुलेटिन, नई ताजा तरीन यानी उस कुत्ते की हालात जानने के लिए दर्जनों बार फोन करती। आई डोज द क्वेश्चन अबाउट वेदर हिज क्वेश्चंस वर बीइंग्स टर्न रेगुलरली और हिज करेक्ट कोट्स वर्न अकॉर्डिंग टू द वेदर। मुझसे दर्जनों सवाल पूछे जाते कि क्या उसका तकिया जो है वो समय पर बदल दिया जा रहा है, क्या वेदर के अकॉर्डिंग उसके कोट को चेंज किया जाता है। बट आई वॉज एबल टू टेल हर दैट द लिटल फॉलो वॉज आउट ऑफ डेंजर एंड कन्विंसिंग रैपिडली, कन्विंसिंग मीन हीलिंग। पर मैं यही बताने में सक्षम था कि कुत्ता जो है खतरे से बाहर था और तेजी से कन्विंसिंग कर रहा था, उसके सेहत के अंदर सुधार हो रहा था। The word convincing seems to do something to Mrs. Pumphrey. जो word मैंने convincing जो उसकी सेहत के अंदर सुधार की जो शब्द मैंने इस्तेमाल किया था वो Mrs. Pumphrey के लिए कुछ प्रतीत हुआ। He started to bring round fresh egg 2 dozen at a time to build up tricky strength. उसने 2 दर्जन गोल ताज़ा अंडे लाना शुरू किया ताकि ट्रिकी को जो है और मजबूत बनाया जा सके। For a happy period, my pair partner and I had 2 eggs each for breakfast. But when the bottle of wine begins to arrive, the real possibility of the situations begins to dawn on the household. अनेक मजेदार दिनों तक मुझे तथा मेरे साथियों को नाश्ते के लिए 2-2 अंडे मिल जाते, किंतु जब मदिरा की बोतल आनी शुरू हो गई तो पूरे परिवार को उस स्थिति की वास्तविक संभावनाएं समझ आने लगी। इट वॉज टू इनरिच ट्रिकीज ब्लड, लंच बिकेम्स अ सेरेमोनियल ओकेजन विद 2 glasses ऑफ वाइन बिफोर एंड सेवरल ड्यूरिंग द मील्स। इट वॉज टू इनरिच, ये इनरिच करने के लिए थी ट्रिकी के ब्लड को, जो वाइन की बोतल जो थी वो ट्रिकी के ब्लड को इनरिच करने के लिए थी, खून को ज़्यादा ताकत देने के लिए थी। लंच बिकम सेरेमोनियल ओकेजन विथ 2 glasses ऑफ वाइन, लंच का जो समय था एक समारोह जैसा अवसर बन गया था कि लंच से पहले भी 2 glasses शराब के और उसके बाद कई। We would hardly believe it when the brandy came to put a final edge on the tricky's constitution. For a few nights, the fine spirit was rolled around, inhaled and reverently drunk. We would hardly believe, हमें बड़ी मुश्किल से ये believe हो सका, when the brandy came to put a final edge on tricky's constitution. When final edge of Tricky's constitution, जो ट्रिकी की जो constitution थी, जो सेहत थी, health थी, उसके लिए brandy जो है आने लगी। For a few nights, the fine spirit was rolled around. कुछ
फॉर अ फ्यू नाइट्स, कुछ रात के लिए द फाइनल स्पिरिट वॉज रोल्ड अराउंड, एक सुंदर जो आत्मा है वो हमारे चारों ओर आती रही, इनहेल्ड अंदर सांस लेती रही एंड रेलिवेंट ड्रंक्स, और एक रेलिवेंट जो ड्रंक है जो पेय पदार्थ है वो पिया जाने लगा। दे वर डेज ऑफ डीप कंटेंट, वे बड़े ही संतुष्टि के दिन थे। स्टार्टिंग वेल विद द एक्स्ट्रा एग इन द मॉर्निंग, सुबह एक्स्ट्रा एग के साथ शुरू होना, इम्प्रूव्ड एंड सस्टेन्ड बाय द मिडवे वाइन एंड फिनिशिंग्स लग्जूरियस राउंड द फायर विद द ब्रैंडी, इम्प्रूव्ड एंड सस्टेन्ड बाय मिडडे वाइन, और इसको और ज़्यादा इम्प्रूव करना और इसको सस्टेन करना, बनाए रखना मिडडे वाइन के साथ, इसे और ज़्यादा इम्प्रूव करना और इसे स्थिर रखना, एंड फिनिशिंग लग्जूरियसली राउंड, और लग्जूरियस तरीके से शाम को आग के पास बैठ के ब्रांडी के साथ ख़त्म करना। इट वॉज अ टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ओन एज अ परमानेंट गेस्ट, ये जो चीज़ें ट्रिकी के लिए सेंड की जाती थी उनकी वजह से ट्रिकी को परमानेंट गेस्ट के रूप में रखना टेम्पटेशन हो गया था, ललचाने लग गया था। बट आई न्यू मिसेस पम्फ्रे वॉज सफरिंग एंड आफ्टर अ फोर्टनाइट फेल्ट कंपेल्ड टू फोन एंड टेल हर दैट द लिटल डॉग हैड रिकवर एंड वॉज वेटिंग कलेक्शंस। बट आई नो मिसेस पम्फ्रे वॉज सफरिंग, पर मैं जानता था कि मिसेस पम्फ्रे जो है वो सफरिंग कर रही थी, एंड आफ्टर अ फोर्टनाइट और एक वीक के बाद फेल्ट कंपेल्ड, और मैंने अपने आप को मजबूर महसूस किया टू फोन एंड टेल हर, उसे फोन करने के लिए और उसे ये बताने के लिए कि जो लिटिल डॉग है वो अब रिकवर कर चुका है और वो घर जाने का वेट कर रहा है। विद इन मिनट, कुछ ही मिनट में अबाउट 30 feet ऑफ ग्लीमिंग ब्लैक मेटल ड्रू अप आउटसाइड द सर्जरी, एक 30 feet लंबी चमचमाती हुई ब्लैक मेटल की गाड़ी सर्जरी के बाहर आकर खड़ी हो गई। द चॉफर ओपन्स द डोर एंड आई कुड जस्ट मेक आउट द फिगर ऑफ मिसेस पम्फ्रे ऑलमोस्ट लॉस्ट इन द इंटीरियर, हर हैंड्स वर टाइटली क्लैप्स्ड इन फ्रंट ऑफ हर, हर लिप्स ट्रेम्बल, ओ मिस्टर हैरियट डू टेल मी द ट्रूथ, इज ही वेरी बेटर। द चॉफर ओपन द डोर, चॉफर ड्राइवर ने दरवाज़ा खोला, एंड आई कुड जस्ट मेक आउट द फिगर ऑफ मिसेस पम्फ्रे, और मैं बड़ी मुश्किल से मिसेस पम्फ्रे की फिगर को देख सका, ऑलमोस्ट लॉस्ट इन द इंटीरियर, जो कि अंदर पूरी तरह से लॉस्ट हुई हुई थी, हर हैंड्स वर टाइटली क्लैप्स्ड इन फ्रंट ऑफ हर, उसके हाथ अपने सामने पूरी तरह से टाइट तरीके से बंधे हुए थे, हर लिप्स ट्रेम्बल, उसके लिप्स बुड़बुड़ाए, ओ मिस्टर हैरियट, अरे मिस्टर हैरियट कृपया मुझे सच सच बताएं, क्या वो वास्तव में बेटर है? यस ही इज फाइन, देयर इज नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार, आई विल गो एंड फेच हिम, हाँ वो निश्चित तौर पे ठीक है, आपको गाड़ी से बाहर आने की भी आवश्यकता नहीं है, मैं अंदर जाऊंगा और उसे लेकर आऊंगा। आई वॉक्स थ्रू द हाउस इनटू द गार्डन, अ मास ऑफ डॉग वॉज हर्टलिंग अराउंड एंड अराउंड द लॉन एंड इन देयर मिड्स ईयर फ्लैपिंग्स टेल वेविंग्स वॉज द लिटिल गोल्ड फिगर ऑफ ट्रिकी। इन 2 weeks ही हैड बीन ट्रांसफॉर्म इंटू अ लीड hard muscles animals, he was keeping up well with the pack, stretching out in great bounds, his chest almost brushing the ground. I walked through the house into the garden, main ghar se garden ke andar gaya, a mass of dog was hurtling around and around, ek bahut bada kutton ka jhund jo tha wo gol gol ghum raha tha lawn ke andar, and in the their midst aur unke beech mein ear flapping कान फड़फड़ाते हुए, टेल वेविंग पूंछ हिलाते हुए, वो इज द लिटिल गोल्ड फिगर ऑफ ट्रिकी, गोल्डन फिगर ऑफ ट्रिकी, उस उनके बीच के अंदर वो गोल्डन फिगर जो छोटा ट्रिकी था। इन 2 weeks ही हैड बीन ट्रांसफॉर्म इनटू लीथ, 2 हफ्तों के अंदर में वह एक फुर्तीला मजबूत मांसपेशियों वाला जानवर में बदल गया था। वह उस झुंड के साथ पूरा दौड़ रहा था, अपने शरीर को फैलाकर लंबी लंबी छलांगें लगा रहा था, उसकी छाती लगभग जमीन को छुए हुए थी। आई कैरिड हिम बैक अलोंग द पैसेज टू द फ्रंट ऑफ द हाउस, मैं पीछे से के गलियारे से उसे घर के सामने लेकर आया। द चॉफर वॉज स्टिल होल्डिंग द कार डोर ओपन, ड्राइवर अभी भी
कार के दरवाजे को खुला पकड़े हुए था। When Tricky saw his mistress, he took off from my arms in a tremendous leap and sailed into Mrs. Pumphrey's lap. जो ही मिस ट्रिकी ने अपनी मिस्ट्रेस को देखा तो वो मेरी बुझाओं से ट्रिमेंडस शानदार तरीके से उसने जंप लगाया और मिसेस पंपरे की गोद में कूद गया। सी गेव अ स्टार्टल्ड ओ एंड देन हैड टू डिफेंड हरसेल्फ एज ही स्वॉन्ड ओवर हर लिकिंग हर फेस एंड बार्किंग। वह ऊ कहती चौंक उठी और फिर उसने स्वयं को बचाना पड़ा क्योंकि वह उस पर झपट पड़ा और उसके चेहरे को चुमता हुआ और भौंकता रहा। ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट आई हेल्प द चौफर्स टू ब्रिंग आउट द बैट टॉयज कोशंस कोर्ड्स एंड बाउल्स नन ऑफ विच हैड बीन यूज्ड। एज द कार मूव्ड अवे मिसेस पंप्रे लीन्स आउट द विंडो टीयर शोन इन हर आईज हर लिप्स ट्रेम्बल। Oh, Mr. Harriet, she cried, how can I ever thank you? This is a trip of surgery. During the excitement, इसी excitement के दौरान, I helped the chauffeur to bring out the bed. मैंने driver की bed लाने में, toys लाने में, cushions लाने में, coat और bow जिनको कि use नहीं किया गया था, लाने में help की. As the car moved, जो ही car मुड़ी, Mrs. Pumphrey leans out the window. Mrs. Pumphrey खिड़की से बाहर झांकी. उसकी आंखों से आंसू झलक रहे थे, उसके होठ लड़खड़ाए। ओ मिस्टर हैरियट, अरे मिस्टर हैरियट, सी क्राइड, वो चिल्लाई, मैं आपका कैसे धन्यवाद कर सकती हूँ, ये सर्जरी की जीत है। दिस इज रिटन बाय जेम्स हैरियट। यू कैन सी द कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स दैट आर यूज्ड इन दिस लेसन। सुसेस फाइनली मिंस्ड मीट स्टफ्ड इनटू लॉन्ग सिलिंड्रिकल cases and divided into small lengths by twisting or tines. Rumi, a watery discharge from a mucous membrane especially of nose or eyes. Listless, lacking energy or enthusiasm. Libingo, muscular pains in the lower part of the back. Rhizomes, prescribes course of exercise and diet. Distraught, extremely worried. Surgery, a place where a doctor, a dentist or veterinary surgeons treat patients. Skirmish, rough or confused struggle. Convalescence, recovery from an illness. Lead, flexible. तो गाइस इसमें आपने जो मिसेस जो ट्रिकी है उसका करेक्टर फाइंड आउट करना है और जो क्वेश्चंस इसके बुक के अंदर हैं उनको जो टेक्सुअल क्वेश्चन है उनको आपने करना है। इसके वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी आपने लर्न करने हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, हैव अ नाइस डे।